दाए दाए चला सर ये
a good evening, Tim. आप इंटरव्यू ले रहे हो? इंटरव्यू ले रहे हो आप? बोलो तो। नहीं अभी बाद में नहीं चल रहा है। आइए और जानकारी लेते हैं कि बहुत तादाद के अंदर डॉक्टर जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? डॉक्टर मंजू चौधरी फ्रॉम करनाल। आप जो यहाँ आए हैं भारत दिल्ली के अंदर, तो आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? एक प्रधानमंत्री जी ने NCISM बिल पास किया है, हम उस बिल के अगेंस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि जो हमने इतने सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है वो इतने सालों से या तो वो शुरू से बंद होती, अब जो एकदम बीच में प्रैक्टिस को रोक के हमें कहा जा रहा है कि आप अपनी पैथी में प्रैक्टिस करो, वो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम उन मांगों के खिलाफ हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने राइट्स के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड जो एक पद्धति है उसके मुताबिक ही काम करना है। अब वो जैसे कि हम BMS डॉक्टर हैं, हमारे आयुर्वेदिक पद्धति है, लेकिन अब हम सारे लोग आयुर्वेदिक पद्धति में काम नहीं करते, मिक्स पैथी में हम काम करते हैं। तो वो मिक्स, हाँ, वी आर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट्स, लेकिन अब हमें स्पेशली अब ये मतलब ऑन द स्पॉट हमें कह दिया जाए कि आप बंद कर दीजिए, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। तो आगामी योजना क्या रहेगी आपको इस धरने को लेकर?
आज हो? किस तरह की योजना की बात कर रहे हैं आप? सर, जो आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो आगामी योजना क्या रहेगी? तो फिर कंप्लीट भारत बंद होगा और क्या है? हम लोग वी आर 7 लाख प्रैक्टिशनर्स जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, आप समझ लो रीढ़ की हड्डी हम लोग हैं। ये जो जितने ये MBBS या MD डॉक्टर्स हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग इन बड़े बड़े शहर, छोटे कस्बों के अंदर। आई एम फ्रॉम ए रूरल एरिया, वहाँ छोटा से कस्बे के अंदर आई एम रनिंग ए टॉप मोस्ट नर्सिंग होम। तो वहाँ पे जो बेसिकली बेसिक हेल्थ, जहाँ पे ये लोग जाने को तैयार नहीं MBBS डॉक्टर्स, वी आर प्रैक्टिसिंग दैट एरिया। तो वहाँ पे जो लोग जब काम बंद कर देंगे, तो गवर्नमेंट करे अपनी हेल्थ सर्विस, कराए कैसे चलती है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। वहाँ कल्ली आयुर्वेद, देखो वी आर नॉट ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, वी आर इंटेग्रेटेड, वी आर ट्रेंड इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी आर नॉट ट्रेंड इन आयुर्वेदा। या तो गवर्नमेंट अपनी डिग्री बंद करे और आगे उनको आयुर्वेद में पढ़ाए। हमें इंटेग्रेटेड पढ़ाया गया, हम इंटेग्रेटेड प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मोदी आए चाहे कोई भी आए, हमें रोक नहीं पाएगा। हमारे कोर्स में हमें कराया जाता है ना, सिर्फ आयुर्वेद नहीं कराया जाता, एलोपैथी भी। ये हमारा हक है, हम लड़के लेंगे, लड़के नहीं मिलेगा पीट के लेंगे, लेंगे अपना हक, हमें लेना आता है। हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग वी आर ट्रीटिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के या मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, या सो कॉल्ड जिसको एलोपैथी कहा जाता है, ये लोग उसी सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइज हुई प्रैक्टिस है। कोई इक्विपमेंट किसी एलोपैथी वाले की वो नहीं है, ये किसी की अपनी घर की दारू नहीं है, ये तो मॉडर्न साइंसेज की इक्विपमेंट्स हैं। अगर वो हमें भी करी है, हमें भी अल्ट्रासाउंड के अंदर, PNDT के अंदर, PCNDT के अंदर, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंदर इंक्लूड किया जाए, वी आर रेडी टू फाइट, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल बनाए जाते हैं तो एसोसिएशन के, जो आपका एसोसिएशन है, उन पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, क्या उनके साथ मीटिंग हुई या नहीं हुई? सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार को जो CCIM, हमारी चुनी हुई CCIM, उसको बंद करके उसकी जगह पे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, इनकी वही है कि उसके अंदर अपने सिस्टम के बंदे जो इनके हिसाब से काम करें उनको डाल रही है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड CCIM है उसको बंद करने जा रहे हैं ये, इनका क्या कारण है हमें नहीं पता। भारत सरकार एक तरफ कहती है 2025 के अंदर जो बीमारी, एक TB जैसी बीमारी है, उसको हम ख़त्म कर देंगे, आप जैसे लोग रोड पर रहेंगे तो कैसे ख़त्म होगी? तो वो तभी हो सकती है ना, हम कोई अपना हक मांग रहे हैं, हमको लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ाया गया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमें सीखा है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि जिस सिस्टम के अंदर यू आर ट्रेंड, उस सिस्टम के अंदर आप प्रैक्टिस करो। आप निकालिए हमारा सिलेबस, निकालिए जो हमारे प्रैक्टिस दी गई है उसके अंदर निकालिए, या तो आप इसको प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर दो ना, प्योर आयुर्वेद ही पढ़ाओ, मॉडर्न साइंसेज ना दो। वी आर इंटेग्रेटेड प्रैक्टिशनर एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इन इंटेग्रेटेड मेडिसिन। आप क्या कर इन, देखिए ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन एक गलती इनकी, ये क्या कर कम कर गए, इन्हें जो बंद करना था एक समय सीमा देनी चाहिए कि मतलब 2016 तक के तो ये इंटीग्रेट रहेंगे, उसके बाद नहीं रहने के, एफिडेविट लेना चाहिए कॉलेज बच्चों से जाकर, वो बात सही है, लेकिन जो हम लोग 60-60 साल 50-50 साल के लोग हमारे जो बैठे हैं, हाँ, उन्हें कैसे बंद कर सकते हैं? सुने एक बार जब पेंशन का रूल आया कि पेंशन बंद है, इस समय तक तो पेंशन दी जाएगी, आगे से पेंशन नहीं मिलने की है, उसी तरीके से होना चाहिए हमारे लिए, जैसे आज 16 तक बंद कर सब इंटीग्रेट रहनी चाहिए, और आगे के लिए हमें एफिडेविट ले कॉलेज जा करके कि आगे जो भी BMS में एडमिशन लेगा वो एफिडेविट का मैं आयुर्वेद यूज करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, जो बच्चे जो लोग पढ़ चुके हैं उनको कैसे करेंगे वो भाई, जिनको हम करते आ रहे हैं, उनको अब तक कराया है, तो ऐसे कैसे बंद कर देंगे? आगे से बंद करें, हर कॉलेज में जाकर BMS जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसे एफिडेविट लिखवाएं कि मैं आगे से आयुर्वेद यूज करूंगा, हमेशा एलोपैथी यूज नहीं करने का हूं, तो बात सही है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है, तभी ये समस्या बड़ी हुई है।